अच्छा, शोएब अख्तर ड्रेसिंग रूम में, और जब रूम शेयर करता था किसी के साथ, कोई ऐसा भी बंदा है जो आपको भी तंग कर सका, वरना आप तो चले शरारते करते यार। ये जो इतनी इतनी स्टूपिड बात है कि आई वाज द मोस्ट डिफिकल्ट गाय। आप मेरे किसी टीममेट से जाके पूछ लो यार, शोएब तंग करता। मैंने ना आज तक ड्रेसिंग रूम में ना सियासत की, ना मैंने किसी को तंग किया, ना मैं ज्यादा हैंग आउट करता था टीम के साथ शाम के वक्त स्पेशली। मैं बाहर निकल जाता था, मैं सच्ची बात बताऊं, ठीक है, मैं बाहर जाता, मैंने रोटी खानी है, मैंने बाहर जाना, मैंने फॉरेन लोगों के साथ घूमना है यार, ठीक है जी। तो मैं नहीं अपना ज्यादा हैंग आउट करता था, मैं निकल जाता था बाहर। तो यार टेस्ट मैच खत्म हो गया, मैंने जाकर कढ़ाई थोड़ी खानी है, तो आई मैंने जापानीज क्यूज़ीन खानी है, मैंने कोई लॉबस्टर लॉबस्टर खानी है, मैंने कुछ और चीजें खानी, मैं नहीं मिंगल करता था। पूछ ले, शायद से पूछ ले, तो बहुत ज्यादा मिंगल नहीं करता था। आई लाइक गोइंग आउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स। रॉटमस आइलैंड में चला गया, स्विम करके 2 किलोमीटर अदर चला गया, सेंट किट्स में अपना सेंट लुसिया में वो स्विम करके उधर चला गया, फिर मैं उधर स्विम करके वापस आ गया। मुझे स्काई डाइविंग का बड़ा शौक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है, जिप लाइन चैन करता रहता हूँ, कभी छलांगे छुड़के मार देता हूँ, तो मुझे ना ये चीजें मजा देती हैं। तो रूम वैसे किसके साथ ज्यादा शेयर किया आपने? रूम मैंने अजहर के साथ किया, शायद के साथ नहीं ज्यादा किया, लेकिन आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल गाय। अभी भी देख लें, अब मुझे कितनी टेकिंग कर रहा था शायद कतर में बैठ, जी कतर में बिल्कुल, तो मुझे उड़ा रहा, कहीं मजाक कर रहा, तो मैं हंस रहा हूँ आगे से, मुझे कुछ मजा नहीं पड़ता। तो आप अपने आप पे जो भी बर्दाश्त किया करो यार, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज फर्क नहीं पड़ता, सोचे उस वक्त को भी उस वक्त फर्क पड़ता होगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मुझे आज फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा मोस्ट चिल्ड आउट गाया था, मोस्ट चिल्ड आउट, आई वॉज मोस्ट अकोमोडेटिंग, आई वॉज ऑलवेज फर्स्ट टू हेल्प पीपल। मैं बिलीव करता था कि यार हमेशा जिंदगी में दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, कभी ना बोलो। अल्लाह ने किसी को आपको दरवाजे में ला खड़ा किया तो अल्लाह ने आपको उसका काबिल समझा है ना। अच्छा, शोएब अख्तर के स्कैंडल तो बहुत सारे आए, लेकिन एक स्कैंडल जो है वो कभी नहीं आया, मैच फिक्सिंग। उसकी क्या रीजन है कि आपसे कभी किसी ने रابطہ नहीं किया, या आपका मिजाज बड़ा सख्त है? आप कैसे बचे रहे मैच फिक्सिंग से? यार मिजाज मेरा कोई सख्त है, मिजाज मेरा सिर्फ ग्राउंड तक सख्त है। वैसे तो अच्छा, मैं मोस्ट अकोमोडेटिंग गाय ऑफ द फील्ड। मैंने तो ऑफ द फील्ड में जिन दोस्तों से मिलेंगे आप, वो आपको बताएगा हर के कोई मसला ही नहीं है इसके साथ। और मेरे तो घर में आप बिलीव नहीं करते हो, मैं घर में बात भी नहीं करता, मैं चुप बैठ रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो मेरी माँ कहती है कोई बात कर ले, कोई किस्सा सुना दे, कोई टीममेट्स की बात बता दे, कोई बात नहीं शेयर करता था टीम की में अपने घर वालों से, इसने ये किया उसने किया, मैं नहीं बताता। मैच फिक्सिंग यार देखो, मुझे पाकिस्तान से इश्क है, मुझे नहीं पता अवाम क्या करती है, वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मुझे सिर्फ ये है इस जगह को मैंने, इस जगह से मैंने लाड किया है, इससे गद्दारी नहीं कर सकता। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्कों में से खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान अपना इश्क है, अपना लाड है, इससे मैं गद्दारी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं इसको बेच नहीं सकता। दूसरा, मेरी वैसी एक, पता नहीं लोगों को शायद अब समझ आ रही होगी मेरी दिस साइड ऑफ शोएब अख्तर, बट आई एम वेरी क्लोज टू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मेरा इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बड़ा बहुत बड़ा खजाना है मेरे पास, तो मैं डरता हूँ आपसे, और मुझे आपसे शर्मिंदगी होती है, बुरा काम करते मैं नहीं करना चाहता, मुझे शर्मिंदगी होती है। ठीक है, इंसान हूँ, मासूमीन में से तो हूँ, मासूमीन तो अल्लाह के अंबिया है ना यार, भूलते हैं हम तो नहीं है ना यार, तो इंसान है, मटेरियल ऐसा है इंसान का, ये मटेरियल ऐसा है सर, इस मटेरियल ने गलती करनी ही करनी है, तो मटेरियल का कह देंगे अल्लाह मटेरियल कमजोर था मेरा, तो माफ करते हैं, बाकी रूह तो पाक ही है। वैसे ऑफर्स हुई बहुत? अच्छा यार, आज नहीं होती, मैं पूरे इस्लामाबाद का, पूरे मुल्क का, पूरे दुनिया का एडवांस खा के भाग जाऊं। लोग करते नहीं, 99% लोग यहाँ चोरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको नहीं पता? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। मुझे ये बताओ कि किसी की स्टैम्प, चीफ जस्टिस के अलावा किसी की स्टैम्प बनवानी, मुझे पता है, मैं तुझे बनवा देता हूँ जारी से, बिल्कुल सही है, बन जाती है। धोखा इज आर कारोबार, झूठ इट इज अ वे ऑफ लाइफ, और फ्रॉड यार क्यों कर रहे हो इस 60-70 साल की जिंदगी में, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ओ यार तनु तो लग गया ना, ओ मैंने कहा रोटी अल्लाह ने खिला देनी है, तुम क्या कर रहे हो? रोटी नहीं, अल्लाह ने कभी तुझे भूखा भी सुलाया? ओ कभी तुझे 2 दिन बाद रोटी नहीं मिली, 3 दिन नहीं ली, वो खा ही रहा ना पराठे बचपन से, बिल्कुल बिल्कुल। ओ क्यों अपनी लस्ट को इतना आगे ले गया और अपनी कब्र गंदी कर रहा? मैंने कब्र गंदी नहीं करनी यार, 47 गुजर गए,
37 रह गए होंगे टोटल, क्यों क्यों कब्र गंदी करूं अपनी, आगे ही पता नहीं इतने सवालों के जवाब दिए जाने, ऊपर से मुल्क से भी गद्दारी करूं, कौम से भी करूं, अल्लाह करूं, अल्लाह से भी करूं, अल्लाह के रसूल से भी करूं, शर्मिंदा भी हूं, और एंड क्या है, कुत्ते जैसी मौत। कोई हवा में फट रहा है, कोई जमीन में फट रहा है, कोई जेल में मार रहा है, कोई इधर घर गिर रहा है, और ये अंजाम तुम्हारे गंदे हो रहे हैं, तुम्हारे अख्ताम इतने बुरे हो रहे हैं, तुम्हें लोग गालियां देके तुम्हें भूल जाने को तैयार हैं, ये तुम्हारा अंजाम था, ये तुम्हारी जिंदगी थी, ये तुमने कमाया, ये खटा। मैंने ब्लू वर्ल्ड इसलिए खोला कि मैं लोगों को लूटूं, और नहीं भाई जान, मैं आपको पोजेशन समेत प्लॉट दूंगा, मैं आपको पोजेशन समेत प्लॉट दूंगा, मैं दे के छोड़ूंगा जब तक आप बस नहीं जाते, आपको हैंड ओवर नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं बन जाता, मैंने आपके साथ खड़ा रहना। सबसे बड़ी ऑफर वैसे क्या हुई थी और कब हुई थी मैच फिक्सिंग के लिए? ओ यार कहां पे हुई थी? ओ यार जितनी मर्जी हो, ओ दो बिलियन डॉलर हुई थी, क्या फर्क पड़ता है, 2 रुपए हुई थी, क्या फर्क पड़ता है सर? ना बोलना बड़ा मुश्किल काम है दुनिया का, और पुठा काम करना दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है ना जी। बड़े आए अबली से लड़ने, तुम एक लड़की की टेस्ट की मारो सारे ऐसे क्या बात है यार, क्या खूबसूरत बात है। बड़ा आया मैं अजाजील से लड़ने आया हूं, फेक आईडी से जाने लेट जाते हैं, तू वो उसकी लड़ाई किसी और से है, तुम जैसों से नहीं है, तुम जैसी बूथियों वाले खलीफा नहीं बनते, तुम अपने आप खलीफा समझ, खलीफा अमीरुल मोमिनीन सरकार है, संदन पाक है, साहबा कराम औलिया कराम है, ये उन सालहीन की बात हो रही है, उन मोमिनीन की बात हो रही है, उन ईमान वालों की बात हो रही है, और तू एवं भी जा रहे हैं, तू तो कुड़ी से टैक्स नहीं मार रहे टोटल, तो उठ ही फर्क जितना ईमान तो सब कुछ बेकी है, सही है। हाँ अल्लाह कल तैयार ना हो तो लड़की की डेट के लिए तू ब्रश भी कर रहे हैं, वाल भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है तेरे लिए मुझे इतनी तप चढ़ती नहीं यार, बिल्कुल सही, मुझे जुम्मे के रोज ना इतनी तप चढ़ती है यार। तुम दुनिया में कौन ऐसा बंदा है जिसके पास 2 जोड़े नहीं है? कोई बंदा ऐसा है जिसके पास 2 जोड़े नहीं है? कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हारे पास यार कोई थका हुआ परफ्यूम भी लगा लो तो नहा के नए कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के नहीं आ सकते? क्यों? अगर तुम्हारी नमाज से मेरी नमाज डिस्टर्ब हो रही है और स्मेल आ रही है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ हो रही है, तेरी नमाज नहीं कबूल, सच है ना ये बात, हदीस से निकाल के देख लो। अगर आपकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है यार, आओ ना यार, तैयार हो ना, कुड़िया से तो फौरन सब कुछ तैयार कर लेते, यू गेट रेडी लाइक देयर इज नो टुमारो, एग्जैक्टली दैट्स द केस राइट या।